जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का 100 घंटे से ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकेरनाग वन क्षेत्र में तलाशी अभियान का आज 5वां दिन है। देर रात अभियान स्थगित करने के बाद आज सुबह 7 बजे फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम फिर से गाडोल के जंगलों में आतंकियों की खोज शुरू कर चुकी है। अधिकारियों ने कल कहा था कि जंगल में 2 शव ड्रोन से देखे गए हैं, एक आतंकी का है और एक पहले दिन शहीद हुए सैनिक का। अभी 2 आतंकी जिंदा हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 2 में से 1 आतंकी जख्मी भी हुआ है, मगर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आतंकियों की तलाशी के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। बताते चले कि ये मुठभेड़ 13 सितंबर को शुरू हुई थी। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 अधिकारी और 1 अन्य जवान शहीद हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी कश्मीर जिले के कोकेरनाग इलाके में गडोले के जंगलों में आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के 4थे दिन शनिवार को जैसे ही हमला फिर से शुरू हुआ, सुरक्षा बलों ने जंगल की ओर कई मोर्टार गोले दागे। ड्रोन की फुटेज में शुक्रवार को एक गुफा पर गोले दागने के बाद एक आतंकवादी पनाह के लिए भागता दिखाई दिया। आतंकवादियों के साथ बुधवार सुबह मुठभेड़ में सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स इकाई के कमांडिंग अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट और सेना का 1 अन्य जवान शहीद हो गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।